ट्विटर के माध्यम से जो उद्धव ठाकरे जी हैं उनको ट्वीट किया है हमारी भर्ती से रिलेटेड और उन्होंने उस भर्ती के रिलेटेड उनसे ये कहा है कि हमको सर हमारी चौदह तारीख से पहले हमारी रिजल्ट चाहिए नहीं तो हम चंद्रशेखर बावनकूले के साथ हम जाकर चौदह तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे नागपुर में दोस्तों इसको लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं तो दोस्तों वीडियो बस स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल स्टडीज जोन पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जैसा कि दोस्तों काफी सारे कैंडिडेट ने ठाकरे जी को ट्वीट किया है कि सर हमारी भर्ती को जल्दी निकाली है तो उन्होंने क्या ट्वीट किया हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जैसा कि दोस्तों उन्होंने यह कहा है कि सर प्लीज गिव दी इन्फॉर्मेशन अस टू सून एज पॉसिबल If you table has come, become we have to vary for this job of class 3 and class 4. This government in the state in the old department front, Chief Minister, sir, you are honorable. It is a big matter for that. At Udeb Thakre Sahab is yet you being to ask the requirement. Still, we did not get the right one of the latest. Not it did not understand any reason now where is postponed regarding maratha reservation according to the information this requirement should be postponed issue only because this requirement of is 2019 this postponed has been immediately 2020 we accepted Let us now on on october 15 2020 we along with the energy minister chandrasekhar Kule has taken the hold government nagpur most candidate in the state we are protest सर प्लीज लेट अस नो द राइट इंफॉर्मेशन जैसा कि दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि कृपया जल्द से जल्द हमें जानकारी दें अगर हमारी स्थगित आ गई है क्योंकि हमारी कक्षा तीन की कक्षा चार की नौकरी के लिए विचित होना पड़ता है राज्य सरकार में पुरानी विकास का मोर्चा है मुख्यमंत्री सर आपका सम्मान हमारे लिए यह बड़ी बात है कि ऊर्जा उद्धव ठाकरे साहब है फिर भी हमें भर्ती के लिए कहा जाता है फिर भी हमें नितित के लिए सही नहीं मिलता है नहीं मुझे कोई कारण समझ में आता है और एक पोस्टपोनड और है मराठा रिजर्वेशन मराठा आरक्षण के बाद मेरी जानकारी में अनुसार यह भर्ती केवल या स्थगित मुद्रा नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह भर्ती 2019 की है या इसकी स्थापना 2019 में लागू की गई थी और हमें उपेक्षा करते हैं कि हमारी या हमें बताया जाएगा कि 15 अक्टूबर से पहले हमें ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के साथ नागपुर में पवित्र आंदोलन करना है कि राज अधिकारियों की उम्मीदवारों के विरोध में यह सर कृपया हमें जानकारी दी जैसा कि दोस्तों उन्होंने यह कहा है कि सर आप हमें बता दीजिए कि हमारी रिजल्ट या मेरिट लिस्ट चौदह तारीख से पहले आएगी कि नहीं आएगी इसको लेकर दोस्तों उन्होंने यह कहा है कि नहीं तो हम चंद्रशेखर बावन कूले के साथ नागपुर में जाकर उप केंद्र सहायक और बेदुक सहायक को भर्ती से रिलेटेड हम बहुत ही बड़ी आंदोलन करेंगे क्योंकि दोस्तों काफी सारे बेरोजगारी के चलते आपने देखे हैं कि बच्चे दो साल से इस भर्ती के लिए कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं कि अब लगेगी अब लगेगी सब ने हमें झूठा दिलासा दिया है कि अब हमारी इस तारीख को मेरिट लगेगी पर दोस्तों किस न किसी न किसी कारण से हमारी उपकेंद्र सहायक और वैद्युत सहायक की भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया है तो दोस्तों इसको लेकर आप बहुत ही ज्यादा उनको ट्वीट करें प्रेशर बनाए ऊर्जा मंत्री को सबको जाकर आप ट्वीट करें तब हमारी चौदह तारीख से पहले उपकेंद्र सहायक और वेदुक सहायक की भर्ती लगेगी और दोस्तों कोई भी अपडेट आती है उपकेंद्र सहायक और वेदुक सहायक से चाहे वो ट्वीट के माध्यम से आए चाहे वो ऊर्जा मंत्री के ट्वीट के माध्यम से आए चाहे महावितरण कंपनी से आए हम आप तक तो जरूर पहुँचाएंगे दोस्तों इस भर्ती को निकलना ही बहुत ज्यादा जरूरी है अगर कोई भी अपडेट आती है ऑफिशियल अनऑफिशियल हम आप तक जरूर पहुँचाते हैं तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद